हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों अभी दोपहर का समय है और मैं और रिधम ऑटो से अभी जा रहे हैं अशोकनगर। अशोकनगर मेरी भाभी का मायका है, तो वो आई भी हैं यहाँ पर, तो इसलिए उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ मैं। और आज बड़ी देर लगी हमें, एक तो घर से निकलने में लेट हो गया, दूसरा आज रास्ते में ट्रैफिक जाम बहुत मिला, तो इसलिए काफ़ी देर हो गई। तो गाइस, पहुँच चुके हैं हम अशोकनगर और अभी मैं बैठी हूँ सोनू भैया के घर। तो गाइस, यहाँ मेरे सामने बैठी है मेरी भाभी और इधर बराबर मेरे जब बैठा है। और आज हम निकले तो टाइम से ही थे घर से, फिर भी लेकिन आज रास्ते में जगह जगह भंडारे हो रहे थे ना, तो इसलिए ट्रैफिक जाम हमें काफ़ी मिला, इस वजह से हम लेट हो गए। और ये है मेरी भाभी की जो बड़ी बहन है, उनकी बेटी श्रेया। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, भाभी जी लगी हुई हैं खातिरदारी करने के लिए। और तुषार क्या कर रहा है? बर्फ तोड़ रहा है। बर्फ तोड़ रहा, अच्छा हेल्प कर रहा है मम्मी की। अरे काकू कहाँ है? काकू बाहर है। बाहर का? बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ गया, अभी आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सोच रही थी आज तो अशोकनगर में बहुत भंडारे मिलेंगे हमें। अच्छा? लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे? और पूरे रास्ते वहाँ से यहाँ तक आए ना भोपरे तक, इतने भंडारे आज बोले शुरू में लगातार 2-3 दिन कर दिया। नहीं, यहाँ पे हनुमान जयंती पे हुए होंगे। हाँ, और वहाँ पे हनुमान जयंती पे भी हुए हैं, और आज वो है हनुमान जी की छठी, उस पर भी हो रहे हैं खूब कड़ी चावल। हनुमान जी की भी छठी करते हैं ये। हाँ हाँ। और फ्रेंड्स इनसे मिली, अपना परिचय दीजिए। आप दे दो, आप बुलाने बुलाओ। अरे तू नहीं, अपने मुँह से दे। मेरा नाम है कपूर है। अबे वो इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू चल रहा था। ये है मेरा भतीजा वैभव। ये है गाइस मेरी भतीजी राशि। सब्सक्राइब, आ जाओ बच्चों। ये भगवान ने भाभी जी लगी रहे, मैं आके 2 मिनट बैठ लो हमारे पास, आ जाओ। कोई जरूरी नहीं गर्मी है, ठंडा खा लो, कोई जरूरी गर्म बनाना, आ जाओ आ जाओ जल्दी। और यहाँ लग गया है खाना। अरे आ जाओ बच्चों। और ये देखिए खाने में क्या क्या बनाया है, छोले हैं, आलू शिमला मिर्च की सब्जी है, रायता है, फुलका है, सलाद है। अरे भैया तेरा खाना हो गया, पंचवर्षीय योजना निपटा ले जल्दी, हम सब खा के बैठ गए। तेरे कितनी देर बाद बैठी थी वो खाना खाने, देख ले। मैं बातें करते हुए खा रहा हूँ, आप लोग खाने में ध्यान देते हो। हाँ तो खाने में ही ध्यान देना चाहिए खाते समय। तो गाइस खाना खा के अभी हम लोग कर रहे हैं थोड़ा रेस्ट, उससे नींद सी आ गई, एकदम आलस आ गया खाना खाने के बाद। तो अभी हम लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, अभी एक आध घंटा रुक के फिर चलेंगे घर को। थोड़ा धूप भी कम हो जाएगी। हाँ धूप भी कम हो जाएगी थोड़ी, बड़ा हो गया मैं। तो गाइस 6:15 बज चुके हैं शाम के, वैसे तो हम लेट हो गए जाने को, लेकिन अब हम निकल रहे हैं क्योंकि 1 घंटा में पहुँचने में लगेगा। चल भैया फटाफट, बाय बाय बाय। तो गाइस 6:15 बजे करीब हम वहाँ से निकले थे, और बीच में बस 5 मिनट के लिए हम जीजी के यहाँ रुके क्योंकि हमारी विक्की वहीं खड़ी थी। वहाँ से फिर सीधा हम घर के लिए आ गए हैं, और फिर भी आते आते हमें काफ़ी देर हो गई, अंधेरा हो गया था। और रिदम ने फ़ोन पर चाउमीन के लिए ऑर्डर दे दिया था अपने पापा के लिए, तो चाउमीन भी ले लिए उसने बीच में से। तो गाइस अभी टाइम हुआ है रात के 8:30, और अभी 5 मिनट पहले मैं आई हूँ, और आज बहुत लेट हो गया हम लोगों को। एक तो जब गए थे तभी लेट हो गए थे जाने में, क्योंकि आज हनुमान जी की वो छठी है, तो उसकी जगह जगह भंडारे हो रहे थे, तो उस वजह से जाम भी मिला था काफ़ी। तो पहुँचे भी बहुत लेट थे हम, 2:45 बजे करीब पहुँचे थे वहाँ, और फिर वहाँ से 6:15 बजे करीब चले हैं हम, तो आने में 8:30 बज गए हमें घर पर। तो अभी मैं दुकान पर इनको मैंने घर भेज दिया है ताकि मगर थोड़ा रिलैक्स हो जाएँ, फ्रेश वगैरह हो जाएँ। और इनके खाने के लिए चाउमीन भी पैक करवा के लिया था एकदम साथ के साथ, तो अभी चाउमीन वगैरह खा के चाय वाय पी के घर से तभी आएंगे, उसके बाद फिर मैं घर जाऊंगा। तो गाइस अभी टाइम हुआ है 9:45, और दुकान से मैं अभी आई हूँ, और अभी आके कपड़े चेंज करूँगी पहले, उसके बाद मेरे कुछ बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में, पहले बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद कुछ और देखती हूँ। और खाने का तो ऐसा है, खाना बनाने की हिम्मत नहीं है, मैं थक गई हूँ बिल्कुल तय, क्योंकि वैसे भी मुझसे सफ़र होता नहीं है, और कहीं जाना पड़ जाए ना जितनी तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो वैसे भी रिदम गया हुआ है चाउमीन लेने के लिए, अपने पापा के लिए लाया था, तो कहने लगा आपके लिए और अपने लिए भी चाउमीन ही ले आ रहा हूँ, क्या खाना बनाऊँगी, तो गया हुआ है। इतने में बर्तन साफ कर ले रही हूँ फटाफट से। Thank you.
गाइस रिदम गया हुआ है खाना लेने, तो अभी मैं कर रही हूँ बर्तन साफ और अभी तक वो आया नहीं है। और जहाँ तक इनके पापा का सवाल है तो वो तो शायद ही खाएंगे, वैसे तो ये कह रहे थे अगर रोटी लाता है तो एक आध मैं भी खा लूँगा, लेकिन वो अगर चाउमीन लाएगा तो मैं नहीं खाऊँगा क्योंकि मैं तो खा ही चुका हूँ चाउमीन। बस रात को है कि एक आध गिलास दूध ले लूँगा, तो अभी मैंने उसको बोला तो यही है, वैसे कह तो वही रहा था चाउमीन लाने के लिए, अब देखो क्या लेके आता है, चाउमीन लाता है कि दाल रोटी लाता है, उसको कुछ पता नहीं है। तो बर्तन मैंने सारे साफ करके रख दिए हैं और अब मैं आ गई हूँ कमरे में, मेरे कपड़े धुले रखे हुए थे तो ये भी बेड पे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इनको तय करके रख देती हूँ, ये काम निपटेगा, तय करके रख दो ना तो इसमें सिलवटें नहीं भरती हैं ज़्यादा, फिर प्रेस करने में भी आसानी होती है। तो जितने भी कपड़े पड़े थे ये सारे मैंने तय कर दिए हैं। तो गाइस रिदम खाना ले आया है और जैसे कि मुझे डाउट था कि ये कह कुछ रहा है लाएगा कुछ, तो वही हुआ, चाउमीन के लिए बोल रहा था कि चाउमीन लेके आऊँगा और लेके आया है सब्जी रोटी, मतलब कि दाल लाया है, दाल मखनी और फुलके हैं। तो अभी मैं अपना और रिदम का खाना लगा ले रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इनके लिए एक कटोरी दाल निकाल के रख दे रही हूँ अलग, क्योंकि ये कह रहे थे अगर रोटी लाएगा तो एक आध रोटी मैं भी खा लूँगा, तो इसलिए इनके लिए कटोरी में दाल निकाल के रख दे रही हूँ, जब आएँगे तो इसको गर्म कर दूँगी। और अभी मैं और रिदम खा ले रहे हैं क्योंकि इनके आने में अभी काफ़ी टाइम है। रात की 11 बजने वाले हैं और ये तो अभी आए नहीं हैं, दुकान से आने ही वाले होंगे बस। और रिदम और मैंने खाना खा लिया है और कह तो रहा था वैसे पहले चाउमीन लाने के लिए, लेकिन ये लाया दाल फुल्का ही है, तो फुल्का लाया है तो ये भी खा लेंगे, कह रहे थे कि रोटी आएगी तो मैं भी खा लूँगा, तो मैंने इनके लिए भी रख दी दो रोटी और अभी बस आ जाएँ दुकान से, तो मैं इनको दाल गर्म करके रोटी दे दूँगी साथ में, बाकी हम दोनों ने तो खाना खा ही लिया है। और अब अपने इस वीडियो को मैं यहाँ पर कर रही हूँ एंड, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।